नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा कि एक्सेल का जो डाटा है उसको पावर पॉइंट में कैसे यूज कर सकते हैं। और जब हमने पावर पॉइंट में डेटा को इंसर्ट कर दिया, उसके बाद अगर एक्सेल की डाटा शीट में डाटा अपडेट हो गया तो वो पावर पॉइंट में ऑटोमेटिक अपडेट कैसे होगा, तो ये दोनों पॉइंट्स हम चेक करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो टॉपिक को सही तरह से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक डेमो शीट बना रखी है, वर्कशीट एक्सेल के अंदर, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसके अंदर एक किसी शॉप का मंथली सेल्स रिकॉर्ड बना हुआ है। अब मुझको ये सेल्स रिकॉर्ड पावर पॉइंट के अंदर डिस्प्ले करना है, तो मैं एक पावर पॉइंट का ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाके आपको सिलेक्ट करना है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। तो जब आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट कर रहे हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन आए, क्रिएट न्यू, क्रिएट फ्रॉम फाइल। तो मैं एक क्रिएट फ्रॉम फाइल कर देता हूं। यहां पे मैं फाइल को, जो फाइल हमें लिंक करनी है उस फाइल का पाथ दे देते हैं। तो मैंने डेस्कटॉप पे उसको सेव कर रखा है और ये हमने यहाँ पे फाइल को सिलेक्ट कर लिया और इसको ओके कर दिया। फाइल का पाथ देने के बाद हम इसको ओके कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि उसमें जो हमारा एक्सेल शीट के अंदर जो वर्कशीट बनी हुई थी उसका डाटा यहाँ पर सामने डिस्प्ले हो गया। इसको हम रिसाइज कर देते हैं, यहाँ पर एक हेडिंग दे देते हैं। फॉन्ट का साइज जैसा आप देना चाहें वो सिलेक्ट कर लिए। कलर आपको कोई चेंज करना है, फॉन्ट कलर चेंज कर देते हैं और इसको मैं सेव कर देता हूँ। डेमो वन नाम से हमने इसको सेव कर दिया। नेक्स्ट मंथ में आपका सेल्स का डाटा तो चेंज हो गई। हर ऑफिस में आपकी इस तरह की कोई ना कोई रिपोर्ट होती है जो मंथली बनती है और उसमें डाटा भी चेंज होता है, तो क्या आप हर बार डाटा को इंसर्ट करते रहेंगे? तो उसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो ऐसा क्या कोई तरीका है कि जो एक्सेल से हमने डाटा को इंसर्ट किया है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए? पहले तो हम ये चेक करते हैं कि डाटा अगर हम एक्सेल में अपडेट कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट होगा। तो इसको मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ और ये हमारी जो एक्सेल की सीट है इसमें मैं कुछ डाटा चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारा मान के चलिए डाटा नेक्स्ट मंथ में कुछ चेंज होगा, तो क्वांटिटी मंथ स्टार्ट में जो थी मान के चलिए यहाँ पे अगर 50 थी और हमने 20 क्वांटिटी सोल्ड की, तो ये हमारा जो फर्स्ट रिकॉर्ड है इसमें बैलेंस क्वांटिटी चेंज हो गई। तो क्या ये रिकॉर्ड वहां पर ऑटोमेटिक पावर पॉइंट में अपडेट हो जाएगा? तो हम वापस पावर पॉइंट की फाइल को ओपन करके देखते हैं। ये डेमो वन फाइल है, इसको मैं ओपन करता हूँ। फाइल ओपन हो गई है। अब आप यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट रिकॉर्ड है ये पुराना ही डिस्प्ले कर रहा है। तो हमारे पास ऐसी कोई टेक्निक है जिससे ये डाटा ऑटोमेटिक अपडेट हो सके? तो वो ट्राई करते हैं कैसे करना है। तो हम यहाँ पर अगली बार अपना जो इसका ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया है इसका दूसरे तरीके से यूज करेंगे। अभी मैं इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता हूँ। अब इसमें हम वापस जाएंगे, इंसर्ट देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे अगेन क्रिएट फ्रॉम फाइल ब्राउज करेंगे, फाइल का पाथ सेलेक्ट कर लेंगे डेस्कटॉप पे जाके, सेलेक्ट कर लिया। पिछली बार हमने ये जो नीचे एक लिंक का एक चेक बॉक्स दे रखा है इसको टिक नहीं किया था, इस बार हम इसको लिंक को चेक कर दिया। इसको चेक करने से क्या हुआ कि जो भी फाइल के अंदर, एक्सेल की फाइल के अंदर जो भी चेंजेज होंगे वो ऑटोमेटिक आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अपडेट हो जाए। ओके करते हैं। और इसको सेव कर देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है वापस जाके चेक करना है कि एक्सेल में अगर हम कुछ चेंज करेंगे तो क्या अपडेट हो जाएगा। अगेन इसको बंद कर देते हैं और एक्सेल शीट में जाके कुछ अपडेट करके देखते हैं। तो फाइल को ओपन करते हैं। फाइल ओपन हो गई। अब यहाँ पे मैंने 50 और 20 दे रखा है, इसको मैं कर देता हूँ अगेन 20 एंड 5। तो बैलेंस क्वांटिटी 15। अब इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ये चीज ऑटोमेटिक अपडेट होनी चाहिए, इसको जाके हम चेक करते हैं।
जाके वापस ये हमने प्रेजेंटेशन बना रखा है, इसको ओपन करते हैं। ये स्टार्टिंग में ही पावर पॉइंट पूछेगा अपडेट लिंक्स, आपको यहाँ अपडेट लिंक्स पर क्लिक कर देना है। और ये देखिए आपके सारे डाटा जो आपने जो फर्स्ट रिपोर्ट सेंड किया था वो ऑटोमेटिक यहाँ पर अपडेट हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप एक्सेल शीट के डाटा को ऑटोमेटिक अपडेट कर सकते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर। तो आपको जो बार बार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मंथली बेसिस पर ईयरली बेसिस पर बनाना है वो उसका डाटा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा अगर आप इस तरीके से एक्सेल डाटा को इंसर्ट करेंगे। दोस्तों अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स करें। धन्यवाद।